अभिनेत्री उर्फी जावेद को रेप और जान से मारने की धमकी देने वाला बिहार से हुआ गिरफ्तार, मुंबई पुलिस की कार्यवाही। अरेस्ट केलेला आहे। आरोपीचं नाव आहे नवीन रंजनगिरी, 34 इयर्स का आहे। ते उर्फी जावेद के 3 साल पहिले कॉन्टॅक्ट 3 वर्षापूर्वी कॉन्टॅक्टमध्ये आलेला होता ॲज अ ब्रोकर म्हणून। त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये संभाषण चालू होता। आता तो त्याच्या विविध रोल्सवरून आणि त्या कपडे बनण्याच्या स्टाईलवरून तिला धमकी देत होता। सेल मेसेज पाठवला। त्याचे मोडस काय होता? मोडस असं नाही, त्यांनी व्हॉट्सअपवरती तिला मेसेज पाठवले होते, असले कुर्ती वगैरे असा शब्द यूज करून आणि तिचे कपडे पाहून शॉर्ट कपडे पाहून काय आणि तिचे जे कॅरेक्टर्स रोल करणार आहे त्या अनुषंगाने त्याला धमकी दिली होती। आरोपीचं मकसद काय? आरोपीचं मकसद काय नाही, त्याला ॲज अ मकसद असा काय नाही, परंतु त्यासाठी तिने जे कपडे घातले जो रोल करणार होता दुर्गेचा, तिने ह्या कपडे घालणारे दुर्गा मातेचा रोल करून असा तिचा एक व्ह्यू होता त्याच्या पाठवला। 354.509 IPC आणि +67 ITR। अपने अतरंगी कपड़ों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली उर्फी जावेद को रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही थी। इसको लेकर एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने गोरेगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एक शख्स को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद को अभद्र भाषा में जान से मारने और रेप की धमकी के आरोप में मुंबई पुलिस ने बिहार से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उर्फी को लगातार व्हाट्सएप कॉल पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर धमकियां दी जा रही थी। गिरफ्तार शख्स की ओर से कॉल कर उनके फैशन स्टाइल पर भी कमेंट किया जा रहा था। इसको लेकर गोरेगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। छानबीन और तकनीकी जानकारी में मुंबई पुलिस को सूचना मिली कि ये धमकियां भरे कॉल बिहार से आ रहे हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस बिहार राज्य के पटना पहुंची और धमकी देने वाले शख्स नवीन गिरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी नवीन गिरी पेशे से ब्रोकर बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस की टीम ने नवीन को स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस के सहयोग से पटना जंक्शन स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में उर्फी जावेद ने खुद इंस्टाग्राम के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि एक शख्स 3 साल पहले उनका ब्रोकर हुआ करता था, अचानक इनसे उन्हें मैसेज भेजना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इसमें उन्हें कॉल करके रेप और जान से मारने की धमकी दी। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।